हेलो गाइस, आज मैं फिर से आपके लिए एक नई वीडियो लेके आ चुका हूँ। तो गाइस, आज की जो वीडियो है वो हमारी कॉकटेल बर्ड की केयर और उसकी गाइड के ऊपर है। तो आज की जो वीडियो है वो उसे मैं पॉइंट वाइज डिवाइड कर दूंगा, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। और आपको कोई भी दिक्कत आए तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आपको बर्ड से रिलेटेड कोई भी इशू हो तो भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो गाइस, पहला जो हमारा कॉकटेल बर्ड के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा वो है, हमारे कॉकटेल बर्ड्स जो हैं गाइस, जैसा कि आपको पता होगा, मीडियम साइज़ के होते हैं। और मैं गाइस जैसा कि कॉकटेल बर्ड रख रहा हूँ काफ़ी टाइम से, तो गाइस जो मैंने नोटिस किया है, कॉकटेल बर्ड जो है बहुत ही ज़्यादा फ्रेंडली पेरेंट स्पीसीज होती है, जो कि गाइस आपके पेट्स के रूप में बहुत ही अच्छे पेट्स आपके बनते हैं। और गाइस साथ ही साथ जो कॉकटेल बर्ड हैं गाइस, उनकी केयर के लिए आपको सबसे पहले तो उनके लिए एक स्पेशियस केज, यानी कि गाइस एक अच्छे साइज का केज आपको चाहिए होगा, जिससे कि आप अपने कॉकटेल बर्ड्स को एक अच्छी खासी स्पेस उनके रहने के लिए दे सकें। साथ ही गाइस आपको उनके लिए फ्लाइंग स्पेस भी रखनी होगी, जैसे कि आप अपने बर्ड को जिस भी रूम में या फिर आप जिस रूम में रहते हैं गाइस, उस रूम को आप बर्ड सेफ रूम बना के आप उसमें डेली अपने बर्ड को फ्यू आवर्स के लिए फ्लाई करने के लिए आउट कर सकते हैं, अपने केज से बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि वो फ्लाई कर सकें और अपने फेदर्स को अच्छे से स्ट्रेचिंग कर सकें। और उनका जो गाइस केज है वो भी इतना एफिशिएंट साइज का होना चाहिए, जिससे कि वो अच्छे से उसमें अपने विंग्स को फुली स्प्रेड कर सकें। साथ ही साथ गाइस आपको अपने बर्ड की डाइट के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ध्यान देना होगा, जैसे कि डाइट में आपको सीड्स तो गाइस देने ही हैं, लेकिन गाइस केवल सीड्स आपको अपनी बर्ड को नहीं देने हैं, क्योंकि उनमें केवल फैट होता है। आपको अपने बर्ड्स को प्रोटीन प्लस विटामिन मिनरल्स एक्सेट्रा अलग से देने होते हैं। उसके लिए गाइस आपको एक अच्छी डाइट अपने बर्ड को देनी होती है, जैसे कि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की डाइट आप अपने बर्ड्स को दे सकते हैं। लेकिन गाइस फ्रूट्स में आपको जैसे कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो फ्रूट्स आपको नहीं देने हैं, उसके लिए मैं स्पेशल एक अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। और गाइस वेजिटेबल्स में भी आपको गाइस काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो देनी होती हैं और काफ़ी चीज़ें नहीं देनी होती हैं। और गाइस आपको अपने बर्ड के केज में जो पर्चेज हैं और जो टॉयज हैं गाइस वो अच्छे से रखने हैं, क्योंकि जो गाइस टॉयज और पर्च जो हैं अगर आप अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपका बर्ड जो है मेंटली स्ट्रेस रहेगा, क्योंकि आपके बर्ड जो है मोस्टली टाइम अपने केज में स्पेंड करता है और साथ ही उसे खेलने के लिए गाइस कुछ टॉयज चाहिए होते हैं, जिससे कि वो मेंटली बैलेंस्ड रहे और फिजिकली स्टिमुलेटेड रहे। साथ ही गाइस आपको अपने बर्ड को जो है डेली फ्रेश वाटर और फूड्स जो है गाइस डेली फूड जो है आपको फ्रेश देना है। आपको कभी भी ऐसा नहीं करना है कि जो आपके केज का वाटर है वो 2 से 3 दिन पुराना रखा हुआ हो, आप चेंज नहीं कर रहे हैं या फिर आप खाली होने का इंतजार कर रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना है। आपको अपने बर्ड के वाटर का बेसिकली खासकर ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि वो एकदम क्लीन होना चाहिए, जो फूड है वो भी एकदम क्लीन होना चाहिए। और फूड में से गाइस जो सीड्स होते हैं वो आपको जब वो सीड्स खा लेते हैं तो गाइस वो छिलके कर देते हैं और दाना खा लेते हैं उसके अंदर का, तो वो आपको छिलके टाइम टू टाइम साफ़ करके डेली रेगुलर बेसिस पे देने हैं। और गाइस आपको टाइम टू टाइम अपने बर्ड को बाथ करने के लिए यानी कि नहाने के लिए भी आपको फ्रेश वाटर रेगुलर टाइम पीरियड पे प्रोवाइड कराना चाहिए, जिससे कि वो अपने फेदर्स को अच्छे से क्लीन कर सकें। साथ ही गाइस आपको अपने बर्ड को केवल ला के घर पे रखना नहीं है या फिर केवल खाने वगैरह का ध्यान नहीं रखना है, आपको साथ ही साथ उनसे इंटरेक्ट करना है, टाइम टू टाइम उन्हें गाइस टाइम देना है प्ले करने के लिए, उनके साथ आपको खेलना है, उनके साथ आपको टाइम स्पेंड करना है, जिससे कि वो मेंटली स्टिमुलेटेड रहें उनको और आपके साथ उनका सोशल इंटरेक्शन अच्छा हो और आपके साथ वो टाइम स्पेंड करके उन्हें भी अच्छा लगे गाइज और आपको भी अच्छा लगे और साथ ही में वो आपके साथ ट्रेंड और टेम्ड रहें। साथ ही में गाइज कॉकटेल को आप सिंगल ना रखने की कोशिश करें, क्योंकि गाइज जो कॉकटेल हैं वो फ्लॉक एनिमल्स होते हैं, यानी कि गाइज वो ग्रुप में या फिर पेयर्स में काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहना पसंद करते हैं। ऐसा भी हो सकता है आप सिंगल रख रहे हो तो आपके बर्ड का इंटरेक्शन आपके साथ काफ़ी ज़्यादा हो, अगर गाइज आप काफ़ी ज़्यादा टाइम अपने बर्ड के साथ स्पेंड कर सकते हैं तो आप उन्हें सिंगल रखने की कोशिश कर सकते हैं कुछ टाइम के लिए। लेकिन अगर गाइज ऐसा है कि आप ज़्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हैं, आप डेली केवल 2 आवर्स तक दे पा रहे हैं क्योंकि आपकी जॉब वगैरह भी है, तो आपको उन्हें पेयर में रखना चाहिए।
साथ ही में गाइस आपको उनका रेगुलर चेकअप या तो किसी वेट से कराते रहना चाहिए अगर आपके लोकल एरिया में है, अगर नहीं है गाइस तो आपको खुद से उन्हें रेगुलर प्रॉपरली चेक करते रहना चाहिए, उनमें कोई भी दिक्कत तो नहीं है उन्हें, या फिर उन्हें कोई भी बीमारी वगैरह तो नहीं लग रही है, और उन्हें